नमस्कार दोस्तों, रणथंबोर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों अपन जो डिटेक्शन लिख रहे हैं वो जैन प्रणाली की बुक है, उसके सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 22 की डिटेक्शन लिखेंगे। डिटेक्शन को लिखने से पहले आप जो डिटेक्शन से पहले वीडियो दिया गया है उस वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके बाद में डिटेक्शन को लिखें। तो डिटेक्शन में आने वाले कठिन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर लें वीडियो के माध्यम से और उसके बाद में डिटेक्शन लिखें, क्योंकि कई वर्ड्स की आउटलाइन बताई गई है। तो यदि आप वीडियो देखने के बाद में डिटेक्शन लिखोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और डिटेक्शन लिखी जाएगी और आप लोग ट्रांसलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो अपन अब डिटेक्शन लिखते हैं और डिटेक्शन को कम्प्लीट लिखें। डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। विराम पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। विराम सरकारी नौकरियों अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित है, और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं कौमा उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। विराम अधिकांश विद्यार्थी जो वह काम नहीं कर सकते कौमा जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे। विराम अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम यह हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। विराम यह इस देश के लिए भयंकर चीज है। विराम इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं कौमा वह आज की परिस्थितियों के कहा तक अनुकूल और लाभदायक है। विराम पैराचेंज महात्मा गांधी जी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी कौमा क्योंकि इसमें वह इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। विराम इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली कौमा जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी
शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। विराम। महात्मा जी के विचार से कौमा जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ। विराम। इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। विराम। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही न दी जाकर किसी न किसी प्रकार के काम के द्वारा दी जाए, कौमा जिससे बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो, कौमा वह अनुभव से प्राप्त हो, कौमा न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा। विराम। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कौमा कार्य कुशलता, कौमा स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। विराम। स्पीड तेज। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। विराम। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। विराम। सरकारी नौकरियों अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित है, और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं, कौमा उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। विराम। अधिकांश विद्यार्थी जो वह काम नहीं कर सकते, कौमा जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे। विराम। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम यह हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। विराम। यह इस देश के लिए भयंकर चीज है। विराम। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, कौमा वह आज की बहुत बड़ी परिस्थितियों के कहा तक अनुकूल और लाभदायक है। विराम। पेराचेंज। महात्मा गांधी जी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, कौमा क्योंकि इसमें वह इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। विराम। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली, कौमा जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके
उपयोगी और लाभदायक ठहराया, विराम। महात्मा जी के विचार से कोमा जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ, विराम। इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे, विराम। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही न दी जाकर किसी न किसी प्रकार के काम के द्वारा दी जाए, कोमा जिससे बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो, कोमा वह अनुभव से प्राप्त हो, कोमा न कि केवल स्मरण शक्ति पर आधारित रहकर रटाई द्वारा, विराम। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्य कुशलता, कोमा स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है, विराम, स्टॉप। दोस्तों, स्टार्टिंग में बोली गई डिक्शन की स्पीड थी 65 वर्ड पर मिनट, और जो सेकंड टाइम बोली गई डिक्शन है उसकी स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। आप हमेशा बढ़ते क्रम वाली डिक्शन जरूर लिखें, क्योंकि उससे आपकी जो हाथ खींचेगा और आपसे लिखा जाएगा, और जब आपका हाथ खींचेगा तभी आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप इस डिटेक्शन को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें और ट्रांसलेशन जरूर करें। धन्यवाद।